अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। खुदा के दर्शन करके तो फिर अपना कार्य प्रारंभ करना ऐसी इच्छा के साथ आज अयोध्या में आए। श्री राम जन्मभूमि स्थल पर एक भव्य मंदिर का निर्माण हो, इस बात का सपना स्वर्गीय अशोक जी सिंगल और अन्य कई लोगों ने देखा और उसके लिए आंदोलन प्रारंभ किया। उस आंदोलन के परिणाम स्वरूप आज एक छोटे से स्थान पर क्यों न हो, छोटे से रूप में क्यों न हो, रामलला की मूर्ति जन्मस्थल पर विराजित है। इस स्थल पर एक भव्य मंदिर का निर्माण हो, इस संबंध में पहले जो लोग सोचते थे कि केवल सपना है, वो कार्यरत होता या प्रकट होते हुए और प्रत्यक्ष रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने सही कहा, फैसला आएगा हमारे पक्ष में आने के बाद राम मंदिर बनेगा, तो उसके लिए इतना व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है। हमें भी आस्था है कि पक्ष आएगा तो उसके बाद सब विवाद समाप्त हो जाएंगे और एक निर्विवाद स्थल पर हम भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे। तो फैसले के बाद क्या होगा, हमारे यहाँ सारे निर्णय सामूहिक होते हैं, हम लोग सब बैठते हैं, उस वक्त की स्थिति का आकलन करते हैं और उसके बाद तय करते हैं क्या करना। तो इसके आगे क्या करना है वो जब फैसला आएगा तब तक हल हो जाएगा पूर्ण, और फिर इस पर हम एक निर्विवाद स्थल पर एक भव्य मंदिर बना सकते हैं।